खोए खोए रह करते थे प्यार। हेलो दोस्तों, आपने जो स्टार्टिंग प्रीमियम वीडियो देखा, इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं अपना फोटो या किसी और का फोटो लगाकर, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है लाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना है। और ऐप की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको दो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट कर लेना है। दोनों प्रोजेक्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर लेना है। इसे इम्पोर्ट कर लेना, उसके बाद आपको लाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। मोशन ऐप ओपन हो जाए उसके बाद आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट दीजिएगा, आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दीजिएगा बीट मार्क प्रोजेक्ट, आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है, आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक के बाद आप जिस फोल्डर में आप अपना फोटो रखे, आपको आपको फोल्डर को सिलेक्ट कर आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप फोटो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करें उसके बाद आपको फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे आपका फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करें उसके बाद आपको नेक्स्ट बीट मार्क तक कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडियम क्लिक करें उसके बाद आपको दूसरा फोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करें फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एरो पे क्लिक करें, क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फोटो को बीट मार्क तक कर लेना है। इस तरीके से आपको लास्ट तक फोटो ऐड कर लेना है। मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ, लास्ट तक फोटो ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेक इफेक्ट, आपको सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा फर्स्ट फोटो, आपको पहले फोटो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप कॉपी फेट कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको बीट मार्क को ओपन कर लेना है। जैसे आप बीट मार्क को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे उसके बाद आपको पहले फोटो पे क्लिक कर लेना। जैसे पहले फोटो पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको एक फोटो को छोड़ देना है। जैसे आप एक फोटो छोड़ देंगे उसके बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप दूसरे फोटो पे क्लिक करें, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको 12 सेकंड तक एक फोटो को छोड़कर इसी इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। जैसे आप 12 सेकंड तक इसी इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेक इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप दूसरे फोटो पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप कॉपी इफेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे बैक कर लेंगे उसके बाद आपको बीट मार्क ओपन कर लेना है। जैसे आप बीट मार्क को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे उसके बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको एक फोटो छोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले से इस पे इफेक्ट अप्लाई कर लिया है, इसलिए आपको एक फोटो छोड़कर दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। आपको इसी तरीके से आपको इस इफेक्ट को 14.5 सेकंड तक अप्लाई कर लेना है। जैसे आप एक फोटो छोड़कर इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको तीसरे फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप तीसरे फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप कॉपी फेट कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे बैक कर लेंगे उसके बाद आपको बीट मार्क को ओपन कर लेना है। जैसे आप बीट मार्क को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे उसके बाद आपको जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे उसके बाद आपको 16.7 सेकंड आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डबल बीट मार्क दिख जाएगा। जैसे आप डबल बीट मार्क पर आ जाएंगे उसके बाद आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको एक फोटो छोड़ देना है। जैसे आप एक फोटो छोड़ देंगे उसके बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप दूसरे फोटो पे क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे इसी तरीके से आपको एक फोटो छोड़कर इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है लास्ट तक। जैसे मैं लास्ट तक इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेता हूँ, लास्ट तक अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेक इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको लास्ट वाले फोटो पे आ जाना है। जैसे आप लास्ट वाले फोटो पे आ जाएंगे उसके बाद आपको लास्ट वाले फोटो पे क्लिक कर लेना है। जैसे फोटो क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। जैसे आप कॉपी इफेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको बैक करना है। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको बीट मार्क को ओपन कर लेना है।
सब बीट मार्क को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको जैसे आप बीट मार्क को ओपन कर लेंगे उसको देखो 16.20 सेकंड बाद उसको आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पेट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट पेट कर लेंगे उसको आपको एक फोटो छोड़ देना है, पहले से इस पर इफेक्ट अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपको एक फोटो छोड़ने के बाद आपको दूसरे फोटो क्लिक करके इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। इस इफेक्ट को आपको 29.20 सेकंड तक अप्लाई कर लेना है। जैसे अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको फर्स्ट में आ जाना है। जैसे आप फर्स्ट में आ जाएंगे उसके बाद आपको उसके बाद आपको पहले वाले फोटो क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी फेट कर लेना है। कॉपी फेट कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है। जैसे आप लास्ट में आ जाएंगे उसके बाद आपको लास्ट वाले फोटो पे इसी इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। जैसे आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। आपको चार लेयर को कॉपी करना है। चार लेयर को कॉपी करने के लिए आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको चारों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करें उसके बाद आपको कॉपी फोर लेयर कर लेना, कॉपी फोर लेयर कर लेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लेंगे उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप बिट मार्क को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको पेस्ट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट कर लेंगे, आप पेस्ट लेयर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑफ है, आपको इसे ऑन कर लेना है। जैसे ऑन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इसे आप ऑन कर लेंगे HDR ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहे तो ऑफ भी रख सकते हैं, चाहे तो इसे ऑफ भी रहने दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता को अच्छा लगता है तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। जैसे आपका वीडियो बन जाए उसको आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे उसको आपको यहाँ पे दी जाए स्पोर्ट, आपको स्पोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको वीडियो स्पोर्ट लगेगा। जैसे आपका वीडियो 100% स्पोर्ट जाए उसका आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। और म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके टाइटल पर आपको क्लिक करें। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मोड पे क्लिक कर लेना है। मोड पे क्लिक उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो एंड म्यूजिक लिंक, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा थ्री डॉट, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपनिंग क्रोम ब्राउजर, आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट लिंक दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोजेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेकंड चलने लगा है। जैसे आपका टाइमिंग जीरो हो जाए उसके बाद आपका टाइमिंग जीरो हो जाए उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा वेरीफाई, आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बैक कर लेना है। जैसे बैक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कंटिन्यू, आपको नीचे दिख जाएगा स्टेप वन, आपको इसी तरीके से 3 स्टेप को आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको 10 सेकंड वेट करना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप 3 स्टेप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप 3 स्टेप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 5 सेकंड वेट कर लेना है। जैसे आप 5 सेकंड वेट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा गेट लिंक, आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड एरो दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।